अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो इस टाइम तकरीबन सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं पहुँच गया हूँ अपनी मामूल की रूटीन के साथ छत पे। छत पे आने से सबसे पहले जो मेरा काम होता है वो क्या होता है वो आपको दिखाता हूँ मैं अभी। छत पे जब भी मैं आता हूँ सबसे पहले अपने ये कबूतर हैं इनको मैं लाजमी खोलता हूँ ताकि 1-2 घंटा जो है ना ये घूम फिर लें। और इनको पानी वगैरह दे दिया है और इनके दाने वगैरह भी डाल दिए हैं। दाने इनके ख़त्म हो गए हैं, मैं और दाने इनको डाल लूँ। दानों का पोट है और इसमें मिक्स है बाजरा और राया जो है ना वो मैंने मिक्स किया हुआ है ताकि गर्मी है राया ठंडा होता है और इजीली ये खा सके। जैसे ही मैंने डाले हैं फ़ौरन इस तरह आए हैं जिस तरह भूखे हैं। हालांकि ये इनको तीसरी चौथी बार मैं डाल रहा हूँ, अच्छी तरह खा रहे हैं। परिंदों के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ये नहीं है कि आप लोगों ने रख लिया और आप लोग बादशाह बन गए। सबसे पहले तो घर वालों की गालियाँ सुननी पड़ती हैं, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाने में मिलती हैं और जब तक ये ना मिले खाना हज़म नहीं होता। तो इसलिए जो है ना घर वालों की बातें लाजमी सुना करें। चलते हैं हम अपने ब्रीडिंग रूम में। ये तो ये मेरा ब्रीडिंग रूम है, इधर मेरे ऑलमोस्ट जितने भी परिंदे हैं वो ब्रीडिंग के लिए इधर मौजूद हैं। ये फिशर मैंने अभी इस केज को तकरीबन 2-3 दिन लगा के कलर किया है, कलर करके अंदर मटकियाँ लगाई हैं और कल ही मटकियाँ जो है ना लगा के अंदर फिशर छोड़े हैं और फिशर अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मटकी में आना जाना शुरू कर रहे हैं। हो सकता है ये तकरीबन 10 से 15 दिन तक अंडे दे लें। उसके बाद ये नीचे आ जाता है बजरी का पेड़। बजरी का पेड़ ये जो ग्रीन वाला है ये आपस में लगा हुआ है और ये अभी इनको थोड़ी लेट है ब्रीडिंग के लिए। और वो पीछे ब्लू है वो बेचारा इस तरह ही सिंगल बैठा होता है, उसके साथ की फीमेल नहीं है, फीमेल उसकी लड़की आनी है बहुत जल्द। और ये नीचे जो है यहाँ मैं अपने पिजन के जो है ना बच्चे हैं वो बंद करता हूँ क्योंकि जगह इतनी नहीं है। और इधर आ जाए ये हमारी गासद मादी है, वो अंडों पे बैठी हुई है, 2 अंडे दिए हैं और उस पर बैठी है। तकरीबन आज 8 से 10 दिन हो गए हैं। और उससे नीचे ये हाई फ्लाइंग की हमारी जो है मादी है ये बैठी हुई है, ये तकरीबन इसको हो गए हैं 5 दिन अंडों पे बैठी हुई है। और उससे नीचे ये हमारी फैंसी जो है ना बैठी हुई है, उड़ती भी बहुत प्यारी है, थोड़ा बहुत उड़ती है ज़्यादा नहीं। अभी इसके पर आ रहे हैं, देखेंगे क्या करती है क्योंकि मेरे पास पहली दफ़ा उड़ना है इसने। और इसने कल बच्चा निकाल लिया था और आज दूसरा अंडा भी इसका हैच हो रहा है। ऑलमोस्ट मेरे पास बहुत अच्छे पेयर हैं और बहुत ही अच्छी उनकी ब्रीड आ रही है क्योंकि जिस तरह की मैं केयर करता हूँ ब्रीड तो उस तरह की आनी चाहिए। अब खैर आहिस्ता आहिस्ता इजाफा भी इनमें होगा। अभी तो चंद मतलब कि पिंजरे हैं, 2 केज हैं, एक ये है और एक वो पिजन वाला है और एक ये ऊपर जो है ना ये फ्री पड़ा हुआ है। इसमें बाद का जोड़ा लगाना हो तो इसमें छोड़ देता हूँ ताकि जोड़ा लग जाए और भी ये काफ़ी जो है ना काम आ जाता है। तो बाकी बात कर लें, अगर मैं केज को आप बताऊँ आपको तो ये जो केज है ना ये 3 डेढ़ डेढ़ का है, 3 पोर्शन है इसके। ये वैसे 1.5 बाय 1.5 के जो है ना 6 पोर्शन थे, मैंने अंदर से जो है वो पार्टीशन निकाल दिए इसलिए था कि खुली फ्लाइंग मिले, परिंदे जो है ना हेल्दी एक्टिव रहें। तो ये निकालने के बाद इधर अब मैं दो दो पेयर छोड़ूंगा, एक पेयर फिशर का पहले ही है, एक सोच रहा हूँ लेटिनों का पेयर लेके आऊँ और छोड़ूँ। नीचे जो है ना वो बजरी के जो है ना 3 पीस मौजूद हैं, एक तो पेयर है मुकम्मल और एक जो है ब्लू है उसके साथ मैं सोच रहा हूँ या कोई फीमेल लेके आऊँ या इसको एक्सचेंज करवा के जोड़ा ही ले आऊँ। तो इस तरह से जो है ना ये मेरा सेटअप चलता रहता है, ऊपर कोई भी नहीं आता और ये इसलिए अच्छी तरह से अपनी जान ब्रीड कर लेते हैं। दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।